हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 7 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जहां पे हम लोग कवर करते हैं डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे, शेयर करते होंगे अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको भी एक अच्छा सेशन है जो कि मिल सके और आधे एक घंटे के अंदर हम लोग इतनी अच्छी नॉलेज है जो कि ले सके, ताकि पूरे दिन में देश में दुनिया में जो भी हो रहा है वो सभी आपको पता लगे, ताकि और ना सिर्फ आपको करंट अफेयर से, इनफैक्ट जो भी ऐसी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, देश के अंदर कोई पॉलिटिकली कुछ इस तरीके की इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आपको पता होनी चाहिए, है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सब कुछ है जो कि हम लोग इस सेशन के अंदर कवर करते हैं। ये सेशन एक ओवरऑल सेशन है जो कि आप लोगों के लिए बनाया जाता है, ताकि आपकी डे बाय डे नॉलेज जो है वो अपडेट होती रहे और आप लाइफ में आगे सीखते रहें। तो ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज है 23rd of September, सुबह के 7:10 हो चुके हैं और आज के इस न्यूज पे, आज के इस पूरे सेशन के अंदर जो आर्टिकल्स है वो देख लेते हैं। द हिंदू में से मिलेंगे आपको 3, इंडियन एक्सप्रेस और फाइनेंशियल एक्सप्रेस में से 1 है, जनसत्ता में से 1 है और PIBPRS और बाकी सारे न्यूज़पेपर में से 3 आर्टिकल्स है जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब है जो कि हम लोग कवर करेंगे। चलो, तो सबसे पहले तो कल तो मैंने कुछ क्वेश्चन दिए नहीं थे आपको, तो कल के तो क्वेश्चन अपने पास में अवेलेबल है नहीं। आज इसके अलावा बात करते हैं आपके करंट अफेयर कैप्सूल बैच के बारे में जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है। तो करंट अफेयर कैप्सूल बैच जो है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप SSC, कोई डिफेंस, पुलिस का पेपर है, अगर आप आपका कोई स्टेट का PCS का पेपर है, तो 1 साल का करंट अफेयर है जो कि मैं आपको यहां पे करवा रहा हूं। और आज से 23rd से जो है, अभी 11 बजे से जो है इसकी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 11 AM अभी इसकी क्लास है ना, और कोई जानकारी लेनी है तो आप वहां पे कॉल भी कर सकते हैं। और इसमें 1 साल का करंट अफेयर है, आपके सभी एग्जाम के लिए है। आप चाहे SSC का एग्जाम दे रहे हो, FCI दे रहे हो, बैंक का एग्जाम दे रहे हो, आप इंडिया में कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर आपको करंट अफेयर की प्रॉब्लम है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपका पूरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, है ना। बायलिंगुअल फॉर्मेट के अंदर दोनों लैंग्वेजेस में आप क्वेश्चंस के फॉर्मेट में हम लोग डिटेल में जो है सब चीजें कवर करने वाले हैं। ठीक है गाइस, आपको कैसे, और साथ में ब्रह्मास्त्र SSC का बैच है जो कि ये भी आज से ही मेरी क्लासेस में स्टार्ट होने वाली है, और आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। TA1 और TA2 के दोनों के लिए दोस्तों मात्र ₹2000 का बैच है, जिसके अंदर कंप्लीट पूरी टीम जो है आपको एक अमेजिंग प्रिपरेशन है जो कि करवाने वाली है। और FCI का बैच भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप FCI के बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप FCI की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको क्लास 24 एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद में SSC अपना गोल सेलेक्ट करना है, उसके बाद में जाइए प्रिपरेशन में, फिर यहाँ पे ब्रह्मास्त्र बैच होगा, FCI का बैच होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे जाके पे कर सकते हैं। इस तरीके से सिंपल सा प्रोसीजर है जिसको फॉलो करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आज का कोट ऑफ द डे है, डू नॉट जज मी बाय माय सक्सेस, जज मी बाय हाउ मेनी टाइम्स आई फेल डाउन एंड गेट बैक अप अगेन। तो हमेशा ऐसा होता है कि लोग उनकी सक्सेस के ऊपर है जो कि लोगों को जज करते हैं, लेकिन ये बात समझने की है कि जो सक्सेस मिलती है वो ऐसे नहीं मिलती कि फर्स्ट टाइम में मिल गए, उसके अंदर कई बार आपको जिंदगी में ऊपर नीचे गिरना पड़ता है, ऊपर संभलना पड़ता है। और इंसान की देखो, हो सकता है कि स्ट्रोक ऑफ लक से भी कई बार लोगों को सक्सेस है जो कि मिल जाती है, लेकिन क्या ये सफिशिएंट होता है लाइफ में कि आपको एक बार सक्सेस मिल गई और आप उसी को जिंदगी भर चलाते रहते हो? ऐसा नहीं होता है। अगर आपको सच में टैलेंटेड हो, अगर आप सच में अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो, तो चाहे कितने ही अप्स एंड डाउन्स आए, आप सक्सेस पा ही लेते हो, है ना। और एक बार सक्सेस के पाने के बाद में भी अगर फेलियर आता है तो भी आप वापस से खड़े हो सकते हो। तो किसी को जज जो करना चाहिए वो इस बिहाफ के ऊपर करना चाहिए कि उसने अपनी लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन देखकर भी वो बेचारा खड़ा है, वो बेचारा फिर भी मेहनत कर रहा है, आज भले ही वो सक्सेसफुल नहीं हो लेकिन फिर भी वो कोशिश पूरी कर रहा है। इसके ऊपर लोगों को रेस्पेक्ट है जो कि मिलनी चाहिए, ना सिर्फ इस वजह से कि वो सक्सेसफुल बन गए हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये एक नेल्सन मंडेला का दोस्तों कोट था जो कि बहुत ही अच्छा था, जिसमें बात करी गई है आपके आपके एफर्ट्स के बारे में बात करी गई है, बिकॉज एफर्ट सबसे बड़े होते हैं। नॉर्मली जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में होते हैं ना, तो हमारे एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, घर वाले वैल्यू करते हैं, ना कोई अड़ोस पड़ोसी, ना कोई रिश्तेदार, ना जो है दोस्त वैल्यू करते हैं जो तैयारी नहीं कर रहे होते, लेकिन जो तैयारी कर रहा होता है वो एक दूसरे की भावनाओं को समझता है कि एफर्ट जो हम लोग कितना लगाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और वही जो है हमें आगे जिंदगी में आगे लेके जाती है। ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले द हिंदू के फ्रंट पेज पे, और यहाँ पे सबसे पहले जो बात करी गई कल दोस्तों, मूवी आपने कई सारी मूवी देखी है बॉलीवुड की, उसमें क्या होता है कि कोई भी एजेंसी होती है ना, वो पूरे देश में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एकदम से जो है वो अटैक करती है और लोगों को अरेस्ट करती है।
है ना, आपने देखा होगा, बेबी मूवी देखी होगी, हॉलीडे देखी होगी, कई बार ऐसा होता है ना 10 अलग लोकेशन पे मान लो किसी भी एजेंसी को पकड़ना है तो वो एक सेम टाइम के ऊपर जो है वो सेम दिन जो है वो अटैक करते हैं और उनको पकड़ते हैं। कुछ इसी तरीके का दोस्तों कारनामा, इसी तरीके का कुछ सीन है जो कि कल देखने को मिला, जहां पे पूरे देश में PFI ये एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर रेड मारी गई, 109 लीडर्स को पकड़ा गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसको NIA के द्वारा दोस्तों पकड़ा गया है। डिटेल में बात करेंगे क्या ये ऑर्गेनाइजेशन करती है, क्यों पकड़ा गया है, सारे कारण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे बात करी गई है ना मास्क को लेकर कि दिल्ली में मास्क कंपलसरी कुछ दिनों में हटा दिया जाएगा। यहां पे यूपी और बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में है, यहां पर भी दोस्तों उड़ीसा आंध्र प्रदेश के मॉइस्ट मूवमेंट के बारे में है, कुछ खास नहीं है। और यहाँ पर भी दोस्तों एक जो फिल्म मेकर थे, फ्रेंच फिल्म मेकर जिनकी कुछ टाइम पहले डेथ हो गई थी, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये आपका फ्रंट पेज है, कुछ भी खास ऐसा नहीं है, बस ये PFI वाली न्यूज है जो कि कल पूरे देश में काफी न्यूज में रही, इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे क्योंकि आपको पता होना जरूरी है कि देश में कल इतना बड़ा जो ये न्यूज बना आया है वो उसका कारण क्या है, वो क्यों आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ED है ना, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया, और साथ में पुलिस, तीनों ने दोस्तों 15 राज्यों के अंदर जो है वो सर्चेस करी है। मोस्ट ऑफ द अरेस्ट जो हुए हैं वो केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र से हुए हैं। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने दोस्तों कंडम किया है, कंडम मतलब क्रिटिसाइज करना ऑपरेशन को, और अनजस्ट है जो कि इस अरेस्ट को बताया है, ठीक है गाइस। तो 109 लीडर्स और एक्टिविस्ट जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के हैं उनको अरेस्ट है जो कि रिसेंटली 15 राज्यों में से किया गया है, राज्य मैंने आपको बता दिए हैं। इनका कहना है कि हमारे ऊपर जो क्लेम लगाए गए हैं वो बेसलेस क्लेम है जो कि लगाए गए हैं। अब क्लेम यहां पे क्या लगाए गए हैं, यहां पे फंडिंग के लगाए गए हैं, कौन सी फंडिंग के, टेरर फंडिंग के, ये सबसे बड़ा चार्ज है जो कि इसके ऊपर ये चार्ज है जो कि लगाया है। ऐसा बोला गया एजेंसीज के द्वारा कि PFI ने क्या कर रहा है, ये टेरर फंडिंग है जो कि कर रहा है, कई सारे अपने सेंटर्स के अंदर क्या कर रहे हैं, ये लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, किस लिए, गलत जो रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, बैन ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ज्वाइन करने को लेकर। तो ये दो चार्जेस है जो कि इनके ऊपर लगाए गए हैं। अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है वो तो आने वाले दिनों में पता लगेगा कि कितने लोग 107 में से कल्प्रेट है, कितने लोग इनोसेंट है, कितने लोग क्या है, वो तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि क्यों पकड़ा गया है, कारण क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, और क्या चार्जेस है जो कि लगाए गए हैं। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करें तो उसको 2007 में दोस्तों क्रिएट किया गया था, कई सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के मर्जर के बाद में क्रिएट किया गया था जो सदर्न इंडिया में थी, जैसे कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट इन केरला, कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी है ना, ऐसे तमिलनाडु में थी। तो तीनों आउटफिट ने मिलकर 2006 के अंदर दोस्तों केरला में मीटिंग करके इसको बनाया था, है ना। बेंगलुरु के अंदर भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एम्पावर इंडिया कॉन्फ्रेंस है ना 2007 के अंदर, वहां पर भी दोस्तों इसका अनाउंसमेंट है जो कि किया गया था। ओके, PFI का फॉर्मेशन दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन के बैन होने के बाद में भी हुआ था, जिसका नाम था स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसको सिमी कहा करते थे। ओके, तो सिमी को बैन कर दिया गया था, उसके बाद में PFI जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनी। इन्होंने बोला कि हम लोग फाइट करेंगे, PFI का जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई तब इन्होंने बोला कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं किसके लिए, राइट्स के लिए। किसके राइट्स के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, दलित के लिए, मार्जिनलाइज्ड जो भी कम्युनिटीज है उनके राइट्स के लिए। ओके, तो इसके अलावा कई सारे ऐसे एलिगेशन भी कई बार लगे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कि वो अपने वोट बैंक के लिए जो है वो PFI के साथ में मिलती है, कभी कांग्रेस BJP, कभी BJP RJD, कभी RJD कांग्रेस, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर भी ये लगाते रहते हैं, है ना। PFI ने कभी भी खुद ने मिलकर जो है वो कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, हालांकि दोस्तों कई बार ये छोटे मोटे इलेक्शन के अंदर जो है वो जरूर रहे, जैसे कि लोकल लेवल के ऊपर। इनका जो मेजर काम रहता है वो रहता है सोशल और इस्लामिक रिलीजन वर्क करवाना मुस्लिम के अंदर, जैसे कि दोस्तों VHP, हिंदू जागरण, वैदिके, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है RSS तो नहीं बोलेंगे, जिसे VHP मेजर है, और हिंदू जागरण, ये जैसे कि दो ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरीके से ये भी रिलीजन लाइन पे काम करती है, इसी प्रकार से ये भी मेजरली जो है वो सोशल और इस्लामिक रिलीजन वर्क है जो कि मुस्लिम में करती है, ठीक है। जैसे कि बाकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर्स का रिकॉर्ड नहीं रखती, वैसे ये भी अपने रिकॉर्ड नहीं रखती, इसलिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को क्राइम को इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कोरिलेट करना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं रखते, कोई भी ग्रुप जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं रखते, ठीक है गाइस। 2009 के अंदर पॉलिटिकल आउटफिट एक जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये इन्होंने दोस्तों FPI के साथ में मिलकर जो है ना
कई सारे पॉलिटिकल इश्यूज मुस्लिम के, दलित के, अदर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के उठाना स्टार्ट किया था, है ना। और इन्होंने छोटे छोटे जो लोकल लेवल के ऊपर इलेक्शन है साउथ इंडिया में, वो भी लड़ना चालू किया था। आप देख सकते हो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या PFI एक पॉलिटिकल फुटप्रिंट है क्या। तो PFI और SDPI जो मैंने आपको बताया ना, बस सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया, तो इन दोनों ने मिलकर दोस्तों कई ऐसे मुस्लिम पॉपुलेशन वाले एरिया है वहां पर इनका डोमिनेंस है पॉलिटिक्स के अंदर भी। अगर आप देखोगे तो कोस्टल एरिया जो उद्दीपिका है कर्नाटका का, केरला के थोड़े बहुत एरिया का, वहां पर कई बार सिविक जो लोकल लेवल के जो पोल्स होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, वो यहाँ पे लड़े भी हैं और जीते भी हैं। तो हम लोग ये तो नहीं बोल सकते कि 100% पॉलिटिकली नहीं है, यस है, लेकिन बहुत ही ग्राउंड लेवल के ऊपर, बहुत ही छोटे लेवल के ऊपर पॉलिटिकली ये एक्टिवेटेड है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे ऐसे ऑलरेडी पहले भी ऐसे कई सारे क्राइम्स और क्रिमिनल ऐसे केसेस है जो कि इनके ऊपर लिंक किए जा चुके हैं, क्राइम जो एलिजिएटली लिंक्ड टू द PFI, जो PFI के ऊपर लिंक है ऑलरेडी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 2011 के अंदर एक प्रोफेसर का हाथ काट दिया गया, उससे दोस्तों ये रिलेटेड है। 2016 के अंदर एक RSS वर्कर के मर्डर का, 2016 में पुलिस ने अरेस्ट किया था एक यूथ विंग को PFI के लिंक को, जो कि बजरंग दल के वर्कर के मर्डर केस में था। 2017 में भी सेम कहानी, 2019 में भी कांग्रेस MLA जो है उनके मर्डर केस में, 2019 के अंदर भी एक सोशल एक्टिविस्ट है तमिलनाडु में उनके मर्डर केस में। तो पहले जो है वो कई बार PFI को लिंक किया गया है कई सारे क्रिमिनल केसेस से, ये यहाँ पे दोस्तों बताया गया है, समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको PFI के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी और है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, आगे चलते हैं पेज नंबर 14 की तरफ। पेज नंबर 14 के बारे में बात करें तो हमारे लिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो हम लोग बात करेंगे NCC और यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के बारे में। दोनों ने दोस्तों MOU साइन किया है, क्या करने को लेकर, प्लास्टिक पोल्यूशन को टैकल करने को लेकर, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप, और दूसरे एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसका ऊपर वाला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर है, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली दोस्तों 1700 करोड़ का क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट है जो कि किया है किसके साथ में, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ में, 35 कॉम्बैक्ट और 3 प्रैक्टिस ब्रह्मोस सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल है जो कि इंडियन नेवी को चाहिए अपने स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के लिए। तो इंडियन नेवी के लिए दोस्तों क्या किया है, 1700 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड को दिया गया है, है ना, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, आपके डिफेंस के एग्जाम में ये न्यूज आ सकती है। और अगर मैं बात करूं ब्रह्मोस, आप सभी को मालूम है जॉइंट वेंचर है जो कि DRDO के बीच में, DRDO तो अपना हो गया इंडिया का और साथ में MPO करके कंपनी है, ये रशिया की है, ठीक है। तो दोनों के बीच में है ना, ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा, ये दोनों नदियों के नाम पे ब्रह्मपुत्र का नाम है जो कि रखा गया है। अगर आप देखोगे दोस्तों तो ब्रह्मपुत्र अपनी जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये दुनिया की वन ऑफ द टॉप मिसाइल में मानी जाती है, जिसकी स्पीड जो है वो साउंड की स्पीड से भी 3x है ना, 2.8 मैक के आसपास की इसकी स्पीड है जो कि देखने को मिलती है, तो बहुत ही अमेजिंग है। शुरुआत में जब इसको बनाया गया था ब्रह्मोस को, तो 280 किलोमीटर तक की रेंज के लिए बनाया गया था, हमने इसको बढ़ा के थोड़ा 400-450 लेके गए, फिर हम लोग आ गए मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम MTCR वाले जो ग्रुप है उसके अंदर हमें शामिल कर लिया गया, जहां पे मिसाइल टेक्नोलॉजी आपको मिलती है अगर आप उस ग्रुप के मेंबर होते हो तो। फिर हमने इसको और बढ़ा के 650 किलोमीटर तक हम लोग ले गए, तो काफी अच्छी खासी रेंज आज के टाइम पे ब्रह्मोस की देखने को मिलती है। स्पीड आप देख सकते हैं 2.5 टन का इसका वेट है, एयर से इसको लॉन्च कर सकते हो, लैंड से कर सकते हो और समुद्र से भी कर सकते हो, बहुत ही बड़ी गेम चेंजर है जो कि इसको माना जाता है, मतलब समझ गए। एरियल पावर को भी इंप्रोवाइज करने में इसका बहुत बड़ा रोल है, अभी कुछ टाइम पहले तो हमने सुखोई से इसको लॉन्च किया था, याद है। चलिए तो ब्रह्मोस एक ज्वाइंट वेंचर है DRDO और NPOM रशिया की कंपनी है, उसके बीच में 2-स्टेज मिसाइल है, पहली तो सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन है और सेकेंड वाले के अंदर लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन है। मल्टी प्लेटफॉर्म से आप इसको लॉन्च कर सकते हो, फायर एंड फॉगेट प्रिंसिपल है, आप इसमें जगह लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डालो और भूल जाओ। इसके अलावा मैंने आपको इस मैक के बारे में, स्पीड के बारे में बताई दिया है और सुखोई से भी हमने रिसेंटली अभी टेस्ट किया और हम लोग अभी इसका एडवांस वर्जन भी जो है वो इंडियन नेवी के लिए टेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास में दोस्तों बहुत ही खतरनाक जो है वो मिसाइलों का जखीरा है, आर्सेनल है, जिसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए मुझे सरफेस टू सरफेस मिसाइल कौन सी है, सरफेस से सरफेस पर अटैक करे, तो आप यहां पे देखिए पृथ्वी 1, 2, 3 धनुष अग्नि शौर्य प्रहार, ये सारी हमारी शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स है। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो अग्नि 1, अग्नि 2, 3 और 4 4000 किलोमीटर तक,
उसी प्रकार से इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की भी है, बहुत ही दूरी तक मार करने वाली। अग्नि 5 है, 1500 किलोमीटर, 6 अंडर डेवलपमेंट है, और शौर्य भी है दोस्तों, वो भी अंडर डेवलपमेंट में है और वो 10,000 किलोमीटर तक जा सकती है। अग्नि 6 जो है वो भी 6,000 किलोमीटर तक है। इसी प्रकार से सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल की सागरिका है और K4 है। उसी प्रकार से क्रूज मिसाइल की बात करें तो निर्भय, ब्रह्मोस हो गया, और ब्रह्मोस अभी रिसेंटली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी हमने टेस्ट करी है। शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल की बात करें, त्रिशूल, आकाश, मैत्री, बराक 8 जो कि हमने इसराइल से ली है। एंटी टैंक के अंदर नाग हो गई, हेलिना हो गई। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल में पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, जो कि 80 किलोमीटर तक पहले रोक सकता है किसी भी मिसाइल को, है ना, और समझ गए। तो ये सब हमारा पूरा का पूरा आर्सेनल है। आगे बात करते हैं एनसीसी, जैसे कि आप सभी को मालूम ही है, नेशनल कैडेट कॉर्प, जो कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस की जो है एक स्टूडेंट विंग है, जो कि हमारे इंडियन नेवी, हमारे डिफेंस के लिए काम करती है, है ना, हमारे डिफेंस, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी का जो एक तरीके से स्टूडेंट ग्रुप, अगर आप जिसको मानते हो, वो हमारी एनसीसी है। ओके, स्कूल और कॉलेजेस के अंदर काफ़ी एक्टिवली काम करती है, हमारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हमारे रेस्क्यू के अंदर, फ्लड के टाइम पे, बहुत जगह पे मदद करती है। तो एनसीसी और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो कि इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में, 1972 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ईगर एंडरसन करके हैं जो कि अभी इसके हेड बने हुए हैं। दोनों ने मिलकर दोस्तों क्या किया है, प्लास्टिक पोल्यूशन को टैकल करने के लिए MOU है जो कि साइन किया है। इन्होंने एक अभियान चलाया जिसका नाम है पुनित सागर अभियान, समझ गए मेरी बात, और टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एनसीसी 1948 में स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो नियर बाय 13 लाख के आसपास दोस्तों, 10 से 13 लाख के आसपास हमारे स्टूडेंट है जो कि इसके अंदर ज्वाइन है। दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और गुरबिल पाल सिंह है जो कि इसके डायरेक्टर जनरल है। इंडियन एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो यही यहाँ पे FPI के बारे में है। इसके अलावा वुमेन डे इन UP असेंबली, UP के अंदर जो है गर्ल्स को जो है वो असेंबली के अंदर बुलाया गया, ये दिखाया गया। ये आपका फ्रंट पेज है, कुछ खास नहीं है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है दोस्तों पाम ऑयल को लेकर। देखो, आप सभी को मालूम ही है कि इंडोनेशिया और मलेशिया दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं पाम ऑयल। सबसे ज़्यादा दुनिया का 15% टोटल जो है पाम ऑयल का इम्पोर्ट भी दोस्तों हम लोग ही करवाते हैं। एशियन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा हम लोग ही पाम ऑयल मंगवाते हैं, और हमारे यहाँ पे जितना भी टोटल वेजिटेबल ऑयल चाहिए होता है ना हमें, उसका 40% तो हम लोग पाम ऑयल ही काम में लेते हैं। ओके, अब होता क्या है कि कई बार अगर इंडोनेशिया मलेशिया से पाम ऑयल की सप्लाई अगर कम हो जाए तो हमारी समस्या खड़ी हो जाती है। एक तो क्या कि तेल की कमी, उसके बाद फिर दाम बढ़ जाते हैं, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला। हमने क्या किया, हमारे आसपास के जो कंट्रीज है ना उनके साथ में मिलकर एक अलायंस बना लिया। हम लोग आपस में मिलकर क्या करेंगे, बाकी कंट्रीज के साथ में नेगोशिएट करेंगे, जिसका नाम रखा गया है दोस्तों, हमारे ऐसे 5 ऑयल जो हम तो है ही इंपोर्टिंग कंट्री, हमारे साथ हमने 4 कंट्री और साथ में मिला लिए। क्या, कौन कौन से, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। ये 5 कंट्रीज ने मिलकर दोस्तों एक एशियन पाम ऑयल अलायंस है जो कि बनाया है, ताकि बार्गेनिंग पावर अच्छी हो सके और इंपोर्ट को सस्टेनेबल है जो कि बना सके, समझ गए मेरी बात। इसीलिए दोस्तों इसकी मीटिंग भी हुई है, और अभी इसके अंदर यही बोला गया है कि हम लोग प्राइसेस को कंट्रोल करने के लेकर काम करेंगे। जो कंट्री बेचते हैं ना उनको से हम लोग कोशिश करेंगे हाई क्वालिटी, इकोनॉमिकल और हेल्दी वेजिटेबल ऑयल है जो कि हम लोग लें, और जो नेगेटिविटी है पाम ऑयल को लेकर उसको हम लोग थोड़ा रिड्यूस करें, ठीक है गाइस। चलिए, तो ये बात ध्यान रखिए, हम लोग एनुअली जो है वो 13 से 14 मिलियन टन जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। 8 मिलियन टन ऑफ पाम ऑयल जो है वो हम लोग इंडोनेशिया और मलेशिया से इम्पोर्ट करते हैं। इसके अलावा सोया, सनफ्लावर, ये सब हम लोग अर्जेंटीना, ब्राजील, यूक्रेन और रशिया से लेते हैं। 40% एशिया का जो कंजप्शन है वो हमारे कंट्री में है। यूरोप 12% करता है पाम ऑयल का। बिगेस्ट पाम एक्सपोर्टर जो है वो है इंडोनेशिया और मलेशिया। ओके, हमारे यहाँ पे हमारे बाद चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे कंट्री भी काफ़ी ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं। तो आप ये देख सकते हो, ये एक एडिबल वेजिटेबल ऑयल है जो कि मैसुक कप है ना, पाम के वहाँ से निकलता है। और कोकोनट ऑयल के साथ में हमारे यहाँ पे पाम ऑयल जो है वन ऑफ द हाईली सैचुरेटेड वेजिटेबल फैट माना जाता है, और सेमी सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो इसको काम में लेना काफ़ी आसान है, ठीक है गाइज। और इसकी थोड़ा लाइफ स्पेन भी थोड़ा ज़्यादा होता है, और कंट्रोल्ड होता है हाई टेम्परेचर के ऊपर भी, है ना, फूड की मैन्युफैक्चरिंग में, ब्यूटी के प्रोडक्ट में, बायोफ्यूल में, कई जगह पे इसको काम में लिया जाता है। इसकी कॉस्ट कम होती है, इस वजह से पूरी दुनिया में इसको काफ़ी प्रिफर किया जाता है। अगर आप देखोगे
तो 13 स्टेट में इसका प्रोडक्शन होता है। हमारे यहाँ पे आंध्रा, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार यहाँ पर है। आंध्रा जो है और तेलंगाना, ये दो राज्य में आपको मैक्सिमम जो है प्रोडक्शन आपको इसका देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमने इनके इंपोर्ट को कम करने के लिए हमने एक मिशन भी लॉन्च किया था जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। ओके, ऑयल पाम ऑयल को लेकर ही हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग खुद ही प्रोड्यूस करें ताकि हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो हमने इसमें एम रखा है कि कल्टीवेशन 10 लाख हेक्टेयर का 2025-26 तक रखेंगे, 29-30 तक 16 लाख हेक्टेयर के अंदर जो है इसका प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, ताकि हमें जो इंपोर्ट के अंदर जो प्राइस देनी पड़ती है ना वो हम लोग ना नहीं दें। जो वेदर कंडीशन हमारे नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार के अंदर है वो काफी बेहतर है, अगर मैं पाम कल्टिवेशन के बारे में बात करूं तो। समझ गए मेरी बात। चलिए आगे बात करते हैं जनसत्ता की। और $1 दोस्तों 80 रुपए के आसपास है जो कि पहुंच गया, ये भी काफी बड़ा नंबर है। चलो यहां पे देख सकते हो बाइडन को लेकर दोस्तों, तो बाइडन ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है। देखो यूएस, देखो हमारे लिए समस्या क्या है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर है ना, हम लोग P5 के अंदर नहीं है, पावरफुल 5 जो परमानेंट मेंबर है ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उसके अंदर हम लोग शामिल नहीं है। अब क्या है, जो बाकी 4 कंट्रीज है वो तो बोलते हैं कि भाई इंडिया को शामिल कर लो, फ्रांस बोलता है, रशिया बोलता है, साथ में यूके भी बोलता है, और यूएसए तो हमेशा से ही सपोर्टर रहा है, चाहे बराक ओबामा हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे फिर आप देख सकते हो बाइडन ने भी दोस्तों सुरक्षा परिषद में भारत की परमानेंट सदस्यता का जो है वो समर्थन किया है। इसके अलावा ये भी बोला बाइडन ने कि इसके अंदर इंडिया के अलावा जापान और जर्मनी को भी जो है वो इंक्लूड कर लेना चाहिए, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म के बारे में बात करी गई है। अब ये रिफॉर्म दोस्तों बातें तो होती है लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये रिफॉर्म होते नहीं है। समझ गए मेरी बात, ये रिफॉर्म होते नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहां पे देख सकते हो हम लोग कई सालों से बोल रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंशन करने की जरूरत है। प्रॉब्लम क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि ये बहुत ही सेंट्रिक हो चुका है, मतलब एक तो ना तो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड्स रहते हैं मीटिंग के, उसके अलावा यहाँ पे सारे के सारे जो कंट्रीज है 5 वो पावर प्ले करते हैं आपस में, खुद ही जो है एक दूसरे के पावर गेम में इन्वॉल्व रहते हैं, आपस में डिवीजन बहुत है, रीजनल डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, चाइना अपना एजेंडा चला रहा है अपने देशों को लेकर, यूएस अपना एजेंडा चला रहा है। तो जो मेजर जो काम था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कि रीजनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, वो नजर नहीं आता। तो अभी इसके एक्सपेंशन की जरूरत है, इसमें इक्वली पार्टिसिपेशन भी तो नहीं है। आप देखो एशिया में किसका, चाइना का पार्टिसिपेशन है जो कि एशिया के बारे में बोलता नहीं है, बेचारे पूरे अफ्रीका का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल में, कोई मेंबर ही नहीं है वहां से, है ना। और साउथ अमेरिका की बात करें बेचारा वहां से भी नहीं है, यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया और चाइना, बस ऊपर ऊपर वाले कंट्री जो है वो मेंबरशिप बने हुए हैं। एक भी कंट्री मना करता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए तो वो नहीं होती, क्यों, क्योंकि P5, क्योंकि वीटो पावर लग जाती है। अगर आप वीटो वीटो पावर के बारे में बात करोगे ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जरूरत क्यों है, क्योंकि बहुत ही अनडेमोक्रेटिक नेचर है यूनाइटेड नेशंस का, मिसयूज हो रहा है पावर, ग्लोबल गवर्नेंस का लैक है। अगर आप देखोगे तो चाइना और रशिया ने मिलकर दोस्तों सीरिया के रिजोल्यूशन को 4 बार रोक दिया, यूएस ने दोस्तों 42 टाइम जो है वो इसराइल को सपोर्ट किया 1972 से, उसके रिजोल्यूशन पास नहीं होने दिया उसके ऊपर, पैलेस्टीन बेचारा कभी मेंबर ही नहीं बन पाया क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अप्रूवल चाहिए, ताइवान को दोस्तों मेंबरशिप नहीं मिली क्योंकि चाइना उसके मेंबरशिप को ब्लॉक कर देता है। ओके, तो रिफॉर्म के जो प्रपोजल है वो काफी टाइम से चल रहे हैं। ये 5 कंट्रीज में से 4 दोस्तों हमारे लिए हमेशा फेवर में रहते हैं, बस ये चाइना फेवर में नहीं है, इसकी वजह से हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। समझ गए मेरी बात। चलिए तो कोई भी रिजोल्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए 9 तो कंट्री चाहिए नॉन परमानेंट के, और कम से कम 5 के 5 जो परमानेंट है उनकी हाँ है जो कि चाहिए होती है, एक की भी ना हुई तो फिर प्रॉब्लम है जो कि क्रिएट हो जाती है। तो हम लोग दोस्तों क्यों हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हम डिजर्व करते हैं, क्योंकि एक तो हम लोग सबसे पहले इसके फाउंडिंग मेंबर रहे, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, पीस कीपिंग के अंदर दोस्तों हम लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, इसके अलावा इंटरनेशनली जब कई सारे कॉलोनी जो कंट्रीज थे है ना उनको कंट्री आजादी के अंदर भी हमने काफी सपोर्ट किया, और परचेजिंग पावर पैरिटी में भी हम लोग दुनिया में 3rd नंबर पर है, पॉपुलेशन में दुनिया में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नंबर 1 के ऊपर है, दुनिया में हमने कभी अनस्टेबिलिटी फैलाई नहीं है, सबसे पीस लविंग कंट्री माने जाते हैं, 4,000 साल के इतिहास में हमने कभी किसी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं किया। तो हमारे पास ऐसे काफी सारे पॉइंट है जिससे हम लोग इंक्लूड हो सकते हैं। समझ गए, ठीक है। हमने हमेशा ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है हमेशा ही सपोर्ट किया है,
ओके, कई सारे इश्यूज जो है यूएन के अंदर उनको हमने एड्रेस किया हमेशा, तो ये सारे एडवांटेजेस है। मतलब हमने आज तक 43 पीस कीपिंग मिशन के अंदर 1.5 लाख से भी ज्यादा जवान है जो कि हमारे दोस्तों यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जीडीपी में भी दोस्तों अब तो हम लोग 5वें सेटअप पे है, इकोनॉमिक पोटेंशियल अच्छा है, सिविलाइजेशन हमारी बहुत ही पुरानी है, कल्चर डाइवर्सिटी है, पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक है, ये सारे के सारे पॉइंट है जिसकी वजह से हम लोग दोस्तों इसके अंदर इंक्लूड होने की दावेदारी है जो कि करते हैं। हमारे अलावा दोस्तों कुछ कंट्री और भी करते हैं, जैसे कि ब्राजील है, ब्राजील बोलता है मैं साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री हूँ, वैसे जर्मनी बोलता है मैं यूरोप का, जापान बोलता है मैं अपने रीजन का, तो ये सब का भी काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये बोलता है अगर इंडिया को शामिल कर रहे हो तो हमको भी करो, इंडिया बोलता है देखो हमें दिक्कत नहीं इनको भी कर लो साथ में, लेकिन एक कॉफी क्लब करके दोस्तों एक कंट्री की एक ग्रुप है वो इन सबको अपोज करता है। कौन कौन है उसमें? पाकिस्तान इंडिया को करता है, साउथ कोरिया जापान को, इटली फ्रांस को, और अर्जेंटीना जो है ये आपके ब्राजील को। तो इसको बोलते हैं रीजनल यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, इसको बोलते हैं यूएफसी ग्रुप, यूएफसी ग्रुप, इसको कॉफी क्लब बोलते हैं। ये सारे जो है वो कंट्रीज है जो कि परमानेंट मेंबरशिप वालों को अपोज करते हैं। ठीक है गाइस, समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग को लेकर। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला है कि हमें जो है वो लाइव सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं, बड़े केसेस होते हैं, उनको लाइव स्ट्रीम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वक्त के साथ में बदलना जरूरी है। कई सारे जो है वो भीड़ इकट्ठी हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में भी, जब प्रोसीडिंग चल रही होती है जनता आ जाती है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं कोर्ट कचहरी के अंदर। समझ गए मेरी बात? तो अभी पॉजिटिव सिस्टम करेक्शन है जो कि यहाँ पे चेंज करने के लिए बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ केस हुआ, ठीक है, जिसमें दोस्तों फेवर किया गया लाइव स्ट्रीमिंग को, है ना। तो बोला गया कि आर्टिकल 21 के अंदर में ही दोस्तों ये चीज आती है। गुजरात हाईकोर्ट पहला हाईकोर्ट था जिसने लाइव स्ट्रीमिंग किया, उसके बाद झारखंड हुआ, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इलाहाबाद, इन सब ने भी जो है लाइव स्ट्रीमिंग को करना स्टार्ट कर दिया। पायलट प्रोजेक्ट दोस्तों चलाने के लिए बोला गया है, बोला गया कि जो शुरुआत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होंगे ना उसके ऊपर ही किया जाए, और इसकी जो सक्सेस है वो धीरे धीरे देखी जाएगी कि बाकी कोर्ट में किस प्रकार से ये काम हो रहा है। जो कंजेशन है वो इसमें डेफिनेटली दोस्तों काफी कम हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने भी इसको फेवर किया है, लेकिन कोर्ट ने साथ में ये भी बोला कि हम लोग सिर्फ सब कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना केसेस उसी के अंदर लाइव स्ट्रीम करेंगे, कल को कोई मैट्रिमोनियल ठीक है मैटर है, शादी का कोई वाद विवाद है, ये सब नहीं करेंगे, है ना, कोई बच्चों से रिलेटेड है, यंग ऑफेंडर है, नेशनल सिक्योरिटी का केस है, ओके, कोई विक्टम कोई अपनी गवाही देने आ रहा है और आप उसको लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, है ना, ऐसा ये सब चीजों के अंदर हम लोग लाइव स्ट्रीम नहीं करेंगे। समझ गए मेरी बात? चलिए ये ठीक है। बाकी देशों में बात करें तो यूएस में तो होता ही है, आपको मालूम ही, अभी कुछ टाइम पहले लाइव स्ट्रीम हुआ था वो अम्बर हर्ट और उसका मैट्रिमोनियल केस था, पूरी दुनिया ने लाइव देखा उसको, पता नहीं दूसरों को उनके पर्सनल मैटर में केस देखने में क्या मजा आता है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स में दोस्तों 1955 से ही अलाउड है, ऑस्ट्रेलिया में अलाउड है, ब्राजील में, कनाडा में, साउथ अफ्रीका में, यूके में, सब जगह पे दोस्तों इसको अलाउ है जो कि मेजरली कर रखा है। चलिए ठीक है गाइस, ब्रॉडकास्टिंग कोर्ट प्रोसीडिंग है जो कि हम लोग इसको कहते हैं। आगे बात करते हैं इबोला वायरस को लेकर। इसमें देखो प्रॉब्लम एक ही हो सकती है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कंसर्न क्या है इसके अंदर, कि एक तो लोग गलत तरीके से यूट्यूब के ऊपर नहीं डालते हैं, आपको मालूम है ना यूट्यूब पे कैसे लोग ऐसे होते हैं कि टाइटल अलग होता है, थंबनेल अलग होता है, अंदर कंटेंट अलग होता है, तो लोग क्या एक तो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में जो है वो जनता पीछे नहीं है, तो एक तो ये इसकी समस्या हो सकती है। दूसरा वीडियो क्लिप जो प्रोसीडिंग की है इंडियन कोर्ट की वो ऑलरेडी काफी वायरल हो जाती है और कई लोग जो है वो अनऑथराइज्ड तरीके से उसको इधर उधर करते हैं, ये दो तीन चीजें हैं जिसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, अदरवाइज तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इबोला वायरस के बारे में बात करें, देखो इबोला वायरस जो है वो वक्त टाइम टू टाइम जो है वो अफ्रीका में आता रहता है और ये बताता रहता है कि देखो मैं जिंदा हूं, अभी हम जिंदा है। वापस से दोस्तों वही कहानी हुई, रिसेंटली इबोला वायरस का आउटब्रेक है जो कि युगांडा के अंदर है जो कि देखने को मिला। सबसे पहली बार इबोला वायरस 1976 के अंदर जो है आपको कांगो के अंदर देखने को मिला था, इबोला रिवर के पास में। ओके, लोगों को भी इफेक्ट करता है, कई सारे एनिमल को भी इफेक्ट करता है, मंकी हुआ, गोरिल्लाज हुआ, चिंपांजी हुआ, इनको भी इबोला वायरस है जो कि होता है। ग्रुप ऑफ वायरसेस होते हैं, है ना, ये देखिए कई प्रकार के होते हैं और ये कई प्रकार के वायरसेस कई प्रकार के लोगों को इन्फेक्शन है जो कि करते हैं। अगर सबसे मेजरली जो इसके होस्ट माने जाते हैं वो फ्रूट बैट माने जाते हैं, जो चमगादड़ होते हैं, वो नेचुरल दोस्तों नेचुरली वायरस को लेकर घूमते हैं। एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, क्लोज कॉन्टेक्ट से, और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी इसके अंदर पॉसिबल है। इसकी वैक्सीनेशन की बात करें, सिम्टम्स तो 2 दिन से लेकर 20 दिन के बीच में कभी भी देखने को मिल सकते हैं, 8 से 10 दिन के अंदर फीवर, फटीग, मसल पेन, ये सब देखने को मिलता है, डायग्नोसिस करना काफी डिफिकल्ट है। ओके, मलेरिया, टाइफाइड फीवर, है ना, इस तरीके के
को तो फिर भी आप पता कर लेते हो, लेकिन इबोला को थोड़ा सा पता करना काफी डिफिकल्ट है। एलिसा टेस्ट होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट है, आरटीपीसीआर, वो करवा के इसमें पता किया जाता है। इसकी वैक्सीन की बात करें तो ईआरवी एरवीबो करके एक वैक्सीन है जो कि हाईली इफेक्टिव इसमें मानी जाती है। हालांकि अभी तक इसमें बहुत ज्यादा इसको अप्रूवल है जो कि नहीं मिला है ना। जो जायर स्ट्रेन, जो इस वायरस के अंदर एक जो एक स्ट्रेन होता है जायर स्ट्रेन, उसी के अगेंस्ट ये वैक्सीन है जो कि काम करती है मेजरली, बाकी के अंदर अभी ज्यादा ये काम नहीं कर पा रही है। चलिए आगे बात करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ द पीस जो कि दोस्तों 21 सितंबर को मनाया गया, हम लोग इसको मिस कर गए थे इसलिए अभी मैंने इसको कवर किया। थीम रखी गई है एंड रेसिज्म बिल्ड पीस, ये थीम है जो कि रखी गई है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दोस्तों इस दिन को पूरे दुनिया में पीस को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया था। 1981 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया, 2001 के अंदर जनरल असेंबली ने इसको एक्सेप्ट किया। सिंबल इंटरनेशनल पीस डे का दोस्तों जो माना जाता है वो पीस बेल माना जाता है, जो कि 1954 के अंदर डोनेट करी गई थी, है ना, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन ऑफ जापान ने डोनेट करी थी। और ये कस्टम माना जाता है कि साल में दो बार जो है बेल आपको गिफ्ट करनी है, एक तो स्प्रिंग के टाइम पे और एक जब वर्नल इक्विनॉक्स होता है, जब आपके दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं। ओके, तो इसीलिए 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द पीस है जो कि माना गया। इसी प्रकार से इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस दोस्तों 2 अक्टूबर गांधी जी के बर्थडे को माना जाता है, 2007 के अंदर इसको पास किया गया था। ओके चलिए, और आज भी ग्लोबल पीस में कई सारे चैलेंजेस हैं, आप देख सकते हो इनइक्वालिटी आज भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो पीस तभी आएगा तब इक्वालिटीज दोस्तों क्या होगी, आगे बढ़ेगी। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं करंट अफेयर शॉर्ट्स की। तो प्रोजेक्ट सरस है जो कि लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, ये गाजियाबाद के अंदर है जो कि लॉन्च किया गया, इजरायली एक ग्रुप है उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। उसी प्रकार से नागालैंड प्रिजन डिपार्टमेंट ने दोस्तों एक एप्लीकेशन बनाई है अटेंडेंस के स्टाफ के लिए। ओके, मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन है जो कि प्रिजन के स्टाफ के लिए बनाई है नागालैंड ने। नेक्स्ट है दिल्ली के जो एलजी है सक्सेस एनर्जी, उन्होंने वी केयर कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया है। ओके, ताकि लोगों को अवेयरनेस किया जा सके स्कीम्स को लेकर, दिल्ली पुलिस की जो स्कीम है उन सब चीजों को लेकर। नेक्स्ट है अभ्यास, ये इंडिया और यूएसए के बीच में ड्रिल है जो कि चेन्नई कोस्ट के ऊपर करवाई जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने दोस्तों एक स्किल ऐप लॉन्च करी है ताकि लेदर इंडस्ट्री जो है ना उनकी स्किल को बढ़ावा मिल सके। वोकैबुलरीज में एड्रॉइड का मतलब होता है जब आप बहुत ही स्किलफुल होते हो, ये वर्ड बहुत ही अच्छे हैं दोनों तीनों वर्ड, अजाइल भी बहुत अच्छा वर्ड है। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है रिमूव करना, थॉक का मतलब होता है किसी भी चीज को ग्रो करना, सीडेट का मतलब शांति और पार्ले का मतलब कम्युनिकेशन। फन फैक्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फन फैक्ट, आपको मालूम है अगर कोई भी 50 केजी की अगर कोई किसी भी गर्ल का वेट है अगर उसने हील पहन रखी है तो इतने से एरिया के अंदर जो प्रेशर होता है ना वो दोस्तों 2700 केजी का जो एलिफेंट है उससे भी ज्यादा प्रेशर है जो कि उस ग्राउंड के ऊपर पड़ता है। ठीक है, हालांकि कुछ ज्यादा रेलिवेंस नहीं क्योंकि ग्राउंड के ऊपर प्रेशर पड़ने से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन एक तरीके से जनरल फैक्ट है जो कि अपन देख रहे हैं कि एक छोटे से एरिया में हील का प्रेशर कितना ज्यादा देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं जो कि करंट अफेयर कैप्सूल कोर्स को लेकर, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर कैप्सूल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आज से इसकी क्लास स्टार्ट हो रही है, दिन में 11 बजे से ज्वाइन कर लीजिएगा। एक साल का करंट अफेयर हम लोग करने वाले हैं इसमें और आज से इसकी शुरुआत है, 23 तारीख से 11 बजे है और मात्र ₹500 इसका प्राइस है दोस्तों। ठीक है गाइज, आपको एक साल का करंट अफेयर एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर होगा, 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बायलिंगुअल फॉर्मेट में हम लोग कवर करने वाले हैं, वीकली टेस्ट भी होंगे, साथ में ब्रह्मास्त्र बैच और साथ में भूमि बैच है एफसीआई का, ये भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। और मात्र ₹2000 का दोस्तों ये बैच है जहां पे कंप्लीट टीम आपको यहां पे पढ़ा रही है। आपको क्लास 24 की ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद गोल सेलेक्ट करना है एसएससी, उसके बाद में यहाँ पे प्रिपरेशन में जाना है और वहां पे जाने के बाद आप यहाँ पे ब्रह्मास्त्र बैच लिखा होगा आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एफसीआई का भी बैच है, अगर आप एफसीआई की तैयारी कर रहे हैं आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइज, और फिर यहाँ पे क्लिक करके आप बाय नाउ पे जा सकते हैं। ठीक है, आज का पहला सवाल है इबोला वायरस के बारे में आपको बताना है कि कौन से साल पहली बार इबोला वायरस देखने को मिला था। नेक्स्ट है दोस्तों पाम ऑयल को लेकर, ये रूम टेम्परेचर कैसा स्टेट है जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर होता है। हाइपरटेंशन इनिशिएटिव कौन से कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है कौन से दो कंट्रीज अभ्यास ड्रिल है जो कि कर रहे हैं। साथ में पीस कीपिंग मिशन के बारे में बताना है, कितने टोटल पीस कीपिंग मिशन है जो कि अभी तक हमने कर लिए हैं। प्रफुल्ल बोल रहे हैं सर ब्रह्मास्त्र बैच की क्लास कब से होगी। 28 तारीख से स्टार्ट है दोस्तों ब्रह्मास्त्र बैच की क्लासेस वैसे तो,
ठीक है। बाकी मेरी क्लास जो है वो आज से स्टार्ट हो रही है, मेरी क्लास आज से है 11 बजे से। बाकी 28 तारीख से ब्रह्मास्त्र बैच का कंप्लीट बैच है जो कि लॉन्च हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं वापस से कल की क्लास में। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।